श्रेयस अय्यर गुरुवार से तमिलनाडु में चार स्थानों पर शुरू होने वाले बूची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट में मुंबई के लिए एक मैच खेलेंगे। श्रेयस अय्यर 27 से 30 अगस्त तक कोयम्बटूर में खेले जाने वाले मुंबई के दूसरे दौर के मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस मैच में भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी खेलेंगे। टीम की कमान सरफराज खान के हाथों में है। सरफराज खान को अजिंक्य रहाणे की जगह बूची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट के लिए मुंबई टीम का कप्तान बनाया गया है। अजिंक्य रहाणे इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे क्योंकि वह इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी की वजह से सरफराज खान को टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंबई क्रिकेट संघ MCA के संयुक्त सचिव दीपक पाटिल की ओर से जारी बयान में कहा गया, श्रेयस अय्यर तमिलनाडु क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित बूची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट में मुंबई के लिए खेलेंगे। वह 27 अगस्त से कोयम्बटूर में जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ खेलेंगे। अय्यर ने इस महीने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला से भारतीय टीम में वापसी की है। बूची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद, बंगाल, मुंबई, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात के साथ साथ TNCA एकादश और TNCA अध्यक्ष एकादश वाली टीमें हिस्सा लेंगी। रेड बॉल फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन तिरुवेन्नुवेल्ली, कोयम्बटूर, सेलम और नाथम में होगा। भारत को अगले 5 महीने में 10 टेस्ट मैच खेलने हैं। 29 वर्षीय श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट टीम में वापसी करने के लिए उत्सुक हैं। श्रेयस अय्यर ने अब तक 14 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें से आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने वाइजग में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इसके बाद उन्हें पीठ दर्द की और औसत फॉर्म के कारण सीरीज के बाकी मुकाबलों से बाहर कर दिया गया था। श्रेयस अय्यर ने अब तक 14 टेस्ट की 24 पारियों में 36.86 के औसत से 811 रन बनाए हैं। भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के लिए उत्सुक हैं। वह भी बूची बाबू टूर्नामेंट में खेलेंगे। हाल के वर्षों में इस टूर्नामेंट के लिए उतारी गई मुंबई की यह सबसे हाई प्रोफाइल टीम हो सकती है।